एवरीवन, वेलकम बैक। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है भरवा करेले की रेसिपी। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि करेले की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। करेले के अंदर बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और करेला उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो लोग शुगर पेशेंट है या जिनको स्किन या स्टमक से रिलेटेड कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है। आगे आप वीडियो में देखेंगे, मैंने आगे वीडियो में बताया है कि कौन कौन से विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स करेले के अंदर होते हैं। सेकंड थिंग कि कई बार लोग करेला इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि करेला जो है काफी कड़वा होता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से करेला बनाएं ताकि वो कड़वा ना रहे। तो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए भरवा करेला बनाने के लिए। लेट्स गो। भरवा करेला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 400 ग्राम करेला लिया है। यहाँ पर आपको करेले की जो स्किन है उसको स्क्रेप करके निकालना है किसी नाइफ की हेल्प से, और आपको वन साइड में करेले के एक कट लगाना है, बड़ा कट, जिससे आप पूरे सीड्स को भी स्कूप आउट कर सके, निकाल सके। कट आपको इस तरह से लगाना है कि आप करेले को पूरी तरह टू पीसेस में नहीं करना है, आपको बस उसकी एक साइड जुड़ी रहनी चाहिए और एक साइड में आपको पूरा कट करना है, और सीड्स को भी आपको निकाल कर बोल में रख लेना है। सीड्स को निकालते समय आप ध्यान रखें कि अगर आपके सीड्स पके नहीं है तभी आप उनको फिलिंग में यूज कर सकते हैं। अगर आपके सीड्स पके हुए हैं तो आप उनको फर्दर ड्राई करके उससे आप प्लांट भी उगा सकते हैं और आप उनको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। इसी तरह आप सभी करेले की स्किन को निकाल लें और उसके जो सीड्स हैं उनको भी निकाल लें। ये देखिए, मैंने यहाँ पर अपने सारे करेले में से सीड्स और स्किन निकाल ली है। अब क्योंकि जो करेला होता है वो काफी कड़वा होता है, काफी लोगों को कड़वा होने की वजह से अच्छा भी नहीं लगता है, तो हमें क्या करना है कि उसकी बिटरनेस को कम करने के लिए यहाँ पर हम करेले में जो उसकी जो कवर है उसमें और सीड्स और जो हमने स्किन निकाली थी उसमें सब में सॉल्ट लगाकर थोड़ी देर के लिए रख देना है, एटलीस्ट 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखिए, इसकी जब आप कवर में जब आप सॉल्ट लगाएंगे तो अच्छे से अंदर और बाहर दोनों तरफ सॉल्ट लगाएं और फिर इसको हम आप रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट बाद आपको एक बोल में पानी लेना है और सभी करेलों को अच्छे से अंदर से और बाहर से वॉश करना है, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारा सॉल्ट लगाया था। तो अगर आप इसको प्रॉपरली वॉश नहीं करेंगे तो आप जब इनको कुक करेंगे तो बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगा और वो यूज़फुल नहीं रहेगा। तो इसीलिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है वॉश करते समय, हर करेले को वॉश कर लें और ड्राई होने के लिए उसको किसी भी पेपर टॉवल पर आप रख सकते हैं। इसी तरह से आप सारे सीड्स को भी अच्छे से वॉश कर लेंगे। सीड्स को आपको कम से कम दो बार वॉश करिएगा क्योंकि कई बार उसमें सीड्स के अंदर काफी सॉल्ट रह जाता है, इसीलिए आप सीड्स को एटलीस्ट दो बार साफ करिएगा। और उसके बाद आपको एक्सेस उसमें जितना भी वाटर है उसको आप स्क्वीज कर लीजिए, सारे पानी को निकाल लीजिए। और अभी हम इसको साइड में रख लेते हैं। एक पैन में यहाँ पर मैं 2 से 3 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ। करेला आप मस्टर्ड ऑयल में ही बनाएं। मस्टर्ड ऑयल में बनाने से उसका एक रियल फ्लेवर निकल कर आता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको मस्टर्ड ऑयल पसंद नहीं है तो आप किसी और ऑयल में बना सकते हैं, बट जो करेला है वो मस्टर्ड ऑयल में ही ज़्यादा अच्छा बनता है। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल लिया है। कई बार लोगों को लगता है कि मस्टर्ड ऑयल से स्मेल आ रही है, अगर आप उसको गर्म होते समय एक पिंच सॉल्ट डाल देंगे तो उसमें से जो रॉ स्मेल होती है वो चली जाती है। अब मैं यहाँ पर 1 टीस्पून जीरा यूज कर रही हूँ, 1 टीस्पून जिंजर, 1 मीडियम साइज अनियन जिसको हम चॉप करके यहाँ पर यूज करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे हम इसमें, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को।
यहाँ पर अब मैं ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिलीज 1 टीस्पून, चॉप्ड रॉ मैंगो यानी कच्चा आम 2 से 3 टीस्पून। कच्चा आम करेले में बहुत अच्छा लगता है। 2 टीस्पून मैं यहाँ पर सौंफ ले रही हूँ। सौंफ वैसे भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। आधा चम्मच मैं यहाँ पर ड्राई मैंगो पाउडर ले रही हूँ यानी अमचूर पाउडर। 1 टीस्पून सॉल्ट, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा सॉल्ट इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो फिलिंग है उसमें थोड़ा बहुत सॉल्ट होगा, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। करेले की जो स्किन और सीड्स थे उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और इनको हम 5 से 7 मिनट के लिए थोड़ा सा कुक होने देंगे। 5 से 7 मिनट में थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम इस फिलिंग को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम अपने जो करेले का जो शेल था, जो कवर था, हम उसमें इस फिलिंग को फिल करेंगे। फिलिंग को फिल करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको ओवर फिल नहीं करना है, क्योंकि अभी हम इसको थ्रेड की हेल्प से इसको बंद करेंगे ताकि हमारी जो फिलिंग है वो निकल ना जाए। तो इसीलिए आप बहुत ज्यादा ओवर फिल इसको ना करें। अगर हमारा जो फिलिंग है वो बच भी जाता है तो हम जब इसको बाद में पकाएंगे तब हम उसमें फिलिंग को यूज कर सकते हैं। ये देखिए, इसी तरह आप अपने सारे करेलों को स्टफ कर लें अच्छे से। स्टफ करने के बाद हमें यहाँ पर करेलों को एक थ्रेड की हेल्प से, जो हम यूजुअली कपड़े सिलने के लिए जो हम धागा यूज करते हैं, हम उस धागे की हेल्प से इसको अच्छे से सील कर देंगे ताकि हमारी जो फिलिंग है वो पकाते समय बाहर ना निकले। क्योंकि जब हम इसको पकाएंगे, हम इसको कई बार टर्न करेंगे तो फिलिंग बाहर निकल सकती है। इसलिए आप इसको अच्छे से सभी को धागे से टाई कर दें, सील कर दें। तो चलिए अब हम जल्दी से इनको पका लेते हैं। यहाँ पर मैं 2 से 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ। हल्दी ले रही हूँ 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून। मसालों को भुनने देंगे, गैस को मीडियम ही रखिएगा। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अगर हमारी कोई लेफ्ट ओवर फिलिंग है तो। अगर आपके पास लेफ्ट ओवर फिलिंग नहीं है तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पर आप करेले को ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा लेफ्ट ओवर फिलिंग में मसाले जब मिक्स हो जाएंगे उसके बाद हम अपने जो करेला है उसको पैन में अच्छे से सारे में रख देंगे। यहाँ पर आपको करेलों को बहुत पास पास नहीं रखना है, थोड़ा सा स्पेस देकर रखिएगा ताकि वो अच्छे से कुक हो पाए। ये देखिए, अब हमने अपने सारे करेलों को पैन में लगा दिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। जब आप इसको स्टार्टिंग में कवर करें 10 से 12 मिनट के लिए, आपको इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। इतना टाइम करेले को लगेगा थोड़ा सा पकने के लिए, 10 से 12 मिनट के बाद। लेकिन आप एक बार इसको ओपन करके करेलों को थोड़ा सा टर्न कर दें। अगर एक साइड से ये पक गए हैं तो उसको आप दूसरी साइड पर टर्न कर दें। ये देखिए, हमारे एक साइड से करेला थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लगा है। मुझे सब्जियों में बहुत ज्यादा ऑयल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर करेले में बहुत ज्यादा ऑयल नहीं डाला है। अगर आपको थोड़ा सा ऑयल लगता है कि ड्राई लग रहा है तो आप और ऑयल ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको एटलीस्ट 10 मिनट के लिए हम इसको फिर से कवर करके कुक होने देंगे। बट अब आपको बीच में एक दो बार चेक करना होगा कि हमारा जो करेला है वो एक साइड से कहीं ज्यादा ना पक जाए। तो यहाँ पर आपको 10 मिनट के बीच में आपको एक दो बार चेक करना पड़ेगा। ये देखिए, हमारे करेले कितने अच्छे और क्रिस्पी लग रहे हैं। हमारे जो सीड्स हैं वो भी क्रिस्पी हो गए हैं और हमारा करेला देखिए बनकर बिल्कुल रेडी है। हमारा करेला जो है वो नाइस और एकदम क्रिस्पी बनकर बिल्कुल तैयार है। इंजॉय करिए और आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा।